जो लिविंग रिलेशनशिप वाला कानून है कि 18-19 साल के बाद कोई किसी के साथ भी रह सकता है, ये भारत का सम्मान नहीं अपमान है, भारतीय संस्कृति का सरासर अपमान है। आज के पति योगी नहीं हो सकते। योगी किसको कहते हैं? कितनी भी सौंदर्यता सामने खड़ी हो, मन विचलित नहीं होता, यूं बैठे एकदम। अगर पति भोगी मिल जाए तो समझना स्त्री का भाग्य अच्छा नहीं। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी की तरफ नजर न उठाता हो ऐसा पति जिस कन्या को मिल जाए वो भाग्यवान होती है। एक माँ अपने बेटे से प्रश्न कर रही है, वो भी अपने बेटे को गुरु समझकर। ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। पृथ्वी के जो पहले मानव हुए वो महाराज मनु और रानी शत्रुपा हुए, जिनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, जिनकी तीन बेटियां हुई, सप्तऋषि इत्यादि हुए, कर्दम मुनि हुए, ब्रह्मा जी की छाओं से कर्दम मुनि, नारायण के कहने से उन्होंने महाराज मनु की बेटी देवहूति से विवाह किया और देवहूति जी से विवाह करके कर्दम मुनि ने 9 संतानों को जन्म दिया। कर्दम मुनि ने जब विवाह किया था ना, शर्त रखी थी कि जैसे ही पहली संतान होगी मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो देवहूति जी ने कहा कि महाराज पहली संतान पुत्र हो तो जाना, पुत्री हो तो मत जाना। तो 9 संतान में पुत्री हुई पहले और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान। और ये प्रसंग हम सबको सुनना चाहिए और इस प्रसंग को सुनने वाले लोगों को मानव जीवन की वैल्यू क्या है वो समझ में आएगी। लेकिन इस प्रसंग को सुनने के लिए 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 100%। देखो बार बार ये प्रसंग तुम्हें सुनने को मिले ना मिले, और मिले भी तो तुम्हारी समझ में आए ना आए, इसलिए इस बार प्रयास करो कि इस प्रसंग को सुनो और समझो। देवहूति माँ ने कहा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। बोले जी माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं, आज्ञा करो माँ। देवहूति ने कहा, पुत्र इस संसार में मेरे समान कोई सौभाग्यवती नहीं है। बड़ा ध्यान लगाइएगा प्लीज। पुत्र इस संसार में मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। पूछो कैसे? मैं संसार के पहले राजा की बेटी हूं, राजकुमारी हूं। मेरे पिता राजा हैं। दूसरे, मैं एक योगी की पत्नी हूं। किसकी पत्नी हूं? जोर से बोलो। आज किसी का भाग्य ऐसा नहीं कि पति योगी मिल जाए। मिलेगा? बोलो मिलेगा। सगाई हो जाए बस, ये पक्का हो जाए कि इन दोनों की शादी होने वाली है, उसी के बाद से बेशर्माई हावी हो जाती है। मना करो, कहो कि हाँ महाराज आप गलत बोल रहे हो। बोलो। और मां बाप भी खुशी खुशी भेजते, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी, जाओ। मुझे नहीं पता कोई विरोध करता है कि नहीं, लेकिन ये लिविंग रिलेशनशिप बाहर जो कानून बनाया है ये भारतीय संस्कारों का सिर्फ अपमान करने के लिए बनाया है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप वाला कानून है कि 18-19 साल के बाद कोई किसी के साथ भी रह सकता है, ये भारत का सम्मान नहीं अपमान है, भारतीय संस्कृति का सरासर अपमान है। मेरे को किसी से द्वेष नहीं है,
लेकिन क्या ये इससे हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे? हम तो कहते हैं पहले तो रिवाज भी नहीं था बेटी दिखाने का, चलो बेटी दिखा दिखा, वस्तु थोड़ी है जो दिखाएंगे। एक तरफ हम बात करते हैं नारी के सम्मान की और दूसरी तरफ हमने बेटी को बार बार दिखा रहे, क्यों? जान लेंगे जो जने जनाए आए थे उनका कुछ जान पाए? ईमानदारी से बताओ, जो कॉलेजों में रह रहे कई कई साल साथ में रह के फिर शादी करी, क्या हो गया? वो जन गए? बोलो क्या हो, जन गए वो? ना, वो नहीं जान पाए। इसलिए आज के पति योगी नहीं हो सकते। योगी किसको कहते हैं? कितनी भी सौंदर्यता सामने खड़ी हो मन विचलित नहीं होता, यूं बैठे एकदम। राजकुमारी से विवाह हुआ था बाबा जी का, कर्दमुनि बाबा जी ही तो थे। राजकुमारी से विवाह हुआ एकदम इतनी सुंदर, और वो विवाह करके आए और समाधि में बैठ गए, हजारों वर्ष बैठे रहे। आज के बच्चों की बात करें तो शादी तो छोड़ो, सगाई होते ही बाइक पे घुमाने ले जाते हैं, चलो आइसक्रीम खिला लाऊं। चल रही हो, चलो ही का आइसक्रीम चल रही हो कि थिएटर में चलोगी, मूवी देखोगी? और वो भी तैयार बैठी आइसक्रीम खा। वो खाओगी जलेबी फाफड़ा? अच्छा बताओ, ये योगी है कि भोगी है? जोर से बोलो। अगर पति भोगी मिल जाए तो समझना स्त्री का भाग्य अच्छा नहीं। वही भाग्यवान है जो अपने योग में रहता हो, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी की तरफ नजर न उठाता हो। ऐसा पति जिस कन्या को मिल जाए वो भाग्यवान होती है। कह रहे हैं देवूति मां, कह रही है पुत्र मेरा भाग्य, मैं राजकुमारी हूं, मेरा भाग्य मैं योगी की पत्नी हूं, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि मैं भगवान की मां हूं। कौन हूं मैं? भगवान की मां हूं। पर यह सब होने के बाद भी मैं न दुष्ट इंद्रियों की सताई हुई हूं, मेरी इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। ये मेरी दुष्ट इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। मैं तुमसे जानना चाहती हूं मनुष्य का कल्याण कैसे हो। देखिए, एक मां अपने बेटे से प्रश्न कर रही है, वो भी अपने बेटे को गुरु समझकर। ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। जब कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए तो अपनी सारी भ्रांतियों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के मन में भी अगर कोई प्रश्न इन कथाओं से उभर रहे हों या पहले हों, तो बृहस्पति बार मींस परसों सुबह 9 बजे इसी कथा पंडाल में हम मिलेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे 9 बजे। जिन जिन को कुछ प्रश्न करने हो, मिलना हो गुरु मंत्र के लिए भी, कल परसों ही मिलेंगे सुबह 9 बजे। अभी ध्यान से सुने। हे मां, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। मां सुनो, इस संसार में सबसे जो खतरनाक समय है, डराने वाला दुख देने वाला समय है, वो 2 समय है, एक जन्म और एक मृत्यु। जन्म का समय भी बहुत दुखदाई है और मृत्यु का समय भी बहुत दुखदाई है। मां, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म की प्रतिक्रिया देखिए क्या है, जन्म की क्रिया क्या है, जन्म कैसे होता है बताइए। परमात्मा जब किसी आत्मा को संसार में भेजते हैं तो सबसे पहले वो आत्मा कहां आती है?
हैं? बताओ कहां थी? नहीं पता कईयों को, और जिनको नहीं पता वो सुन लो आज। सबसे पहले वो आत्मा अन्न में आती है, इसीलिए कह रहा हूं सावधानी से सुनो, और उस जन्म की क्रिया में देखो कितनी दुख प्रवृत्ति रहती, कितना दुख सहा है। हे भोपाल वालों, आज अगर आपने इसको समझा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या पा रहे हो। इसीलिए शांति की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। सुनो, जब आत्मा सबसे पहले कहीं आती है तो वो आत्मा सबसे पहले आती है अन्न में। अब उस अन्न की दशा देखो, जब अन्न बोया जाता है तो खेत के अंदर होता है ना वो बीज, मिट्टी में डाल दिया गया अंदर, और उसके बाद आंधी ब्यार तूफान ओले बारिश, खुले में पड़ा हुआ है। कौन? वही आत्मा खुले में पड़ा है, धूप ताप सब सह रहा है, फिर वो फसल पक जाती है। आजकल तो नाना प्रकार की मशीनें हैं, पहले मशीन नहीं होती थी, पहले लोग डंडों से कूटते थे उसको, हमने खुद ने देखा, या तो बैलों की दाएं होती थी, बैलों से कूदा उसे खूंदा जाता था, या पे डंडे से और ऐसे झुराई करते थे तो वो झड़ती थी बालें, गेहूं की अनाज की बालें। आजकल तो मशीन में सीधे दे देते हैं। अब कल्पना करो, सब मशीन में अंदर डाल दिया, किसको? हमको और आपको। पहले काटा गया, फिर मशीन में डाल दिया गया, और जब मशीन में डल गए तो वहां से छट गया, भूस अलग अनाज अलग, दोनों छाट दिए गए, बोरी में भरा गया, कंधे पे पटका गया और जाके डाल दिया अंदर। फिर माताजी आई, माताजी ने सूप लिया, उसे साफ किया। सुनना, माताजी ने सूप लेके उसे साफ किया, उसके बाद क्या किया? क्या किया? माताजी ने चाकी पकड़ी, और माताजी ने चाकी पकड़कर अनाज के दानों को चाकी के बीच में डाल दिया। कहां डाल दिया माय डियर? चाकी में। वो दाने हैं कि हम हैं? बोलो। और माताजी ने चाकी चलाना प्रारंभ किया। चलते चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। आपको उस अनाज के तकलीफ की समझ में नहीं आएगी। एक टेस्ट करके देखो, चाकी अपने हाथ से ही चलाओ और अपनी उंगली दबा के देखो, उसी दोनों पाटों के बीच में, उन्हीं दोनों पाटों के बीच में अपनी उंगली दबा के देखो, फिर चाकी चला के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या दशा हुई थी उस समय जब तुम अन्न थे। अन्न के दाने से आटा बना दिए गए पीस पीस के। हम सब, इंक्लूडिंग मी एंड यू, एवरीवन, हम सबको दाना आटा बना दिया गया उस अन्न के दाने को, बन गए। इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माताजी ने वो आटा लिया एक थाली में, और फिर उसमें थोड़ा जल डाला, और माताजी ने फिर हाथ से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। हाथ से सेवा कर दी उसे, गूंदा उसे, फिर उसे हाथ से ऐसे किया, फिर चकला बेलन से उसको और रगड़ा,
बेलन से ऐसे ऐसे कर करके, फिर माताजी ने उसे तवे पे चढ़ा दिया। कैसा है वो तवा? जोर से बोलो, कैसा है वो तवा? गरम है कि नहीं? उस तवे पे डाल दिया उस रोटी को। वो रोटी कौन है?